आपका स्वागत है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्ट्स में। नेशनल वाटरवे 2891 किलोमीटर लंबा है, जो कि असम अरुणाचल बॉर्डर से बांग्लादेश बॉर्डर तक है ब्रह्मपुत्र नदी में। इसे नेशनल वाटरवे डिक्लेयर कर दिया था 1988 में। इस वाटरवे में कंसिस्टेंट ड्रेजिंग होती है मिनिमम डेप्थ मेंटेन करने के लिए। इसमें ड्रेजिंग का काम होता है अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक, बेसिकली उस टाइम पीरियड में जब बारिश कम होती है। 45 मीटर की चौड़ाई इसमें मेंटेन की जाती है, 2.5 मीटर की डेप्थ मेंटेन की जाती है 630 किलोमीटर के धुबरी नियमिती स्ट्रेच में, 2 मीटर की डेप्थ मेंटेन की जाती है 100 किलोमीटर के नियमिती बोगीबुल स्ट्रेच में, और 1.5 मीटर की डेप्थ मेंटेन की जाती है 161 किलोमीटर की बोगीबुल सदिया स्ट्रेच में। इसमें 11 मेन टर्मिनल्स हैं, जिसमें से पांडू टर्मिनल जो कि गुवाहाटी में है एक मल्टी मोडल टर्मिनल है। यहाँ इसको रेल कनेक्टिविटी भी मिली हुई है। इसके अलावा और मल्टी मोडल टर्मिनल्स बनेंगे इस वाटरवे में। ये वाटरवे इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट से इंडिया के कोलकाता पोर्ट और नेशनल वाटरवे 1 से भी कनेक्ट होता है। 2018-19 में 5 लाख टन की ट्रैफिक मूवमेंट हुई थी, और वहीं 2019-20 में 3.9 लाख टन की। जो ट्रैफिक कम हुआ इस वाटरवे में, उसका बड़ा कारण है बोगीबुल ब्रिज का बनना, जिससे वाटरवे का ट्रैफिक इस ब्रिज में शिफ्ट हो गया है। बेसिकली इस वाटरवे का काफ़ी इस्तेमाल होता है नदी के एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए। नवंबर 2019 को पहली कंटेनर मूवमेंट हुई थी इस वाटरवे का इस्तेमाल करके, जिसमें 53 कंटेनर्स को ट्रांसपोर्ट किया था हल्दिया वेस्ट बंगाल से गुवाहाटी असम तक। मेजरली इस वाटरवे को लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, और जैसे जैसे नॉर्थ ईस्ट में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा होगी, वैसे वैसे इस वाटरवे का इस्तेमाल और किया जाएगा गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा एक और वाटरवे है नॉर्थ ईस्ट में, जो कि बराक रिवर में है। ये 121 किलोमीटर का वाटरवे साउथ असम के लखीपुर से इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में बांगा तक है। इसको 2016 में नेशनल वाटरवे घोषित कर दिया था, और जनवरी 2017 में इसकी डेवलपमेंट शुरू हो गई थी। इसका फ़ायदा साउथ असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा जैसे स्टेट्स को मिलेगा। इसमें भी मल्टी मोडल टर्मिनल्स को डेवलप किया जा रहा है। ये वाटरवे भी इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट से इंडिया के कोलकाता पोर्ट और नेशनल वाटरवे 1 से भी कनेक्ट होता है, नेशनल वाटरवे 2 की तरह। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप ऐसे ही हॉर इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।